नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर। आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। ज्ञानपुर भदोही से जन जागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार ए के फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। जल जमाव से परेशान गुस्साए ग्रामीणों ने किया कानून गोबर लेखपाल किया पुतला दहन और साथ ही साथ के मुआवजे की भी किते मांग। भदोही जिले के ब्लॉक अभोली अंतर्गत सदलुबीर गांव के लोगों ने स्थानीय प्रशासन से जल्द जल निकासी और फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर ग्रामीणों ने आगे और बृहद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बताते चले कि अभोली ब्लॉक के सदलुबीर गांव में आज बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष शालिक राम के नेतृत्व में पिछले कई सालों से गांवों में जल जमाव और खेतों में हो रही फसलों के नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रीय लेखपाल और कानून गो का पुतला दहन किया गया। नहीं हुआ समस्या का समाधान। उन्होंने कहा कि सदलुबीर के ग्रामीण पिछले काफी समय से जल जमाव की समस्या से बुरी तरह त्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि कई बार विधायक और मुखिया से सड़क की मरम्मत और जल जमाव की समस्या को लेकर बात की गई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए इलाकों के ग्रामीणों ने फसलों की भरपाई की मांग को लेकर पुतला दहन किया और जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कहा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही आगे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा तो करेंगे। पुतला दहन करने वालों में मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार, राम आशीष, राजेंद्र पाल, श्यामधर यादव, रमेश प्रजापति, शिव कुमारी देवी, संतराजविंद, जैन खान, मूलचंद गौतम, बड़े लाल, आध्या प्रसाद शर्मा आदि रहे। किसान नेता शेषनाथ यादव, किसान नेता शेषनाथ यादव, जो मुझसे टकराएगा उसको ही मर जाएगा, जो मुझसे टकराएगा उसको ही मर जाएगा। जय जवान, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। विधान परिषद चुनाव और आगामी पर्वों को लेकर अर्धसैनिक बल के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में आगामी विधान परिषद चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने व त्योहारों तथा कानून शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 6 अप्रैल बुधवार को क्षेत्राधिकारी और आई रामलखन मिश्रा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक और आई मई पुलिस बल व सीआरपीएफ बल के साथ थाना स्थानीय क्षेत्रांतर्गत एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही के तहत फ्लैग मार्च एवं पैदल गश्त किया गया एवं समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्ष द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों आदि में साय पैदल गश्त कर जनता में नवरात्रि रमजान को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने एवं विधान परिषद चुनाव को सकुशल शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु भरोसा दिलाया गया। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।